नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप, नेचुरोमैटिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से। मैं हूं फाउंडर इन्वेंटर एनडब्ल्यूएम यानी नेचुरोमैटिक वेलनेस मैनेजमेंट मेथड। ये एक नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस साइकोयोगिक थेरेपी है, एक नई ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। हम इसमें बात करते हैं कैसे आसानी से पुरातन भारतीय पद्धतियों से आज के युग की वेलनेस को, आठों तरह की वेलनेस की बात करते हैं आज WHO, उसको हम पहले से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में, भारतीय पुरातन पद्धतियों में हम पहले से बात करते आ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे से कर्म इन्हीं आठों तरह की वेलनेस को दिलाने की कोशिश करते होते थे और हम NWM में यही प्रयास करते हैं कि हम कैसे उनकी पुनर्स्थापना करें। हम जब बीमार होते हैं हम एक्चुअली भागते हैं किसी चिकित्सक के पास, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने आप को या उस अंग विशेष को आसानी से, जो उसमें तकलीफ हो रही है उसको शमन कर सकें, उससे बच सकें, अपना खुद का इमरजेंसी में अगर इलाज करने की जरूरत हो तो आप कर लें। चिकित्सक की सलाह आपको लेनी ही चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो किसी कुशल विशेषज्ञ से आपको जरूर मिलना चाहिए। वीडियो को जब आप देखते हैं, अपना समय लगाते हैं और आप पसंद करते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हमारी बातें आराम से आपकी तरह पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चीजें आपको समय से मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं NWM सेल्फ स्टार्ट की। NWM सेल्फ स्टार्ट NWM स्पिरिचुअल हीलिंग का एक पार्ट है जिसमें हम अपनी बॉडी को कहते हैं ठीक होने के लिए। कैसे? आपने देखा होगा हमारे यहां पे परंपरा है कि कोई भी एक चीज नई आती है तो हम उसको तिलक करते हैं। जैसे कंप्यूटर ही आया तो उस पर तिलक होगा, कोई किताब आई तो तिलक होगा, कोई बही खाता होगा तो उसके ऊपर तिलक होगा, स्वास्थ्य बनेगा, शुभ लाभ लिखा जाएगा। तो ये सब क्या करता है, ये प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, किसी चीज में प्राण फूंक देता है। फिर आप उससे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारी मदद करें। आप पता नहीं कितनी बार बीमार हुए होंगे और फिर खुद ठीक हो गए होंगे, तो ऐसे में क्या काम करता है, शरीर की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता, और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता एक शक्ति है जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं, ची कहते हैं, की कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से जानते हैं और हम तो इसको पहले से मानने वाले हैं। दुनिया भर की जो आज मार्शल आर्ट्स चल रही है वो इसी हमारे भगवान बुद्ध ने जो भारतीय पुरातन पद्धतियों को पहुंचा दिया अलग अलग देशों में, वहां पे वो उन्हीं सबको अलग अलग नामों से कर रहे हैं लेकिन यूज करते हैं यही प्राण शक्ति को। इसी प्राण शक्ति को यूज करते हुए जो मैंने या हमने NWM में जो डेवलप किया है उसको हम कहते हैं NWM सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट क्या करना है, जैसे मैंने बताया आप बीमार हुए और आप ठीक हो गए, तो आपने कभी, जैसे बुखार हुआ तो आपने कभी अपने शरीर को उसके लिए धन्यवाद दिया कि भाई हाँ आपने हमें ठीक कर दिया, या अपने पैर को कभी धन्यवाद दिया कि भाई तुमने मेरी बड़ी मदद की, मैं 6-7 मंजिल हुई आराम से चढ़ जाता हूं। तो अगर हम ऐसा करने लगे, जैसे आप हाथ से बहुत सुंदर लिखते हो तो हाथ को धन्यवाद दें तो हाथ आपकी बात सुनेगा, तब आपको रोक भी लेगा लिखने से, जब आप कोई गलत जगह पे कुछ लिखने जा रहे हो या गलत लिखने जा रहे हो तो रोक लेगा। ये मेरा माना हुआ अनुभव है, जिन लोगों को मैंने ये सिखाया है उनका अनुभव है। कुछ अधिकारी उन पेपर्स पे साइन करते हुए अपने आप रुक जाते थे जिसमें उनको कुछ डाउट होता था, उन्होंने यही सब चीजें सीखी हुई थी।
तो इसमें आपको करना क्या है, एक तो जैसे आप कोई चीज खाना खाते हैं, कोई फल लेते हैं, फल आपके हाथ में है, केला आपके हाथ में आया, तो आप उसको अपने हाथ में रखें और स्नेह से उसकी तरफ देखें और प्रार्थना में रहें कि भाई तुम अपना प्राण हमारे लिए त्याग रहे हो और हमें शक्ति देना चाह रहे हो। तो जब आप इस धन्यवाद ज्ञापित करेंगे उसे, तो उसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसे ही किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ हो सकता है। आप जब भी आपके सामने खाना आता है तो आप उसे धन्यवाद दें, भगवान को धन्यवाद करें। शरीर की जब बात आती है तो आपको लगे पाचन में कुछ गड़बड़ हो गई या आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो आप तभी लीवर के ऊपर अपना सीधा हाथ रखो और लीवर से कहो कि भाई आज गलती हो गई, आज पनीर ज्यादा खाया गया, घी ज्यादा खा लिया, तुझे थोड़ा पचाने में तकलीफ होगी पर तूने हमेशा पचाया, आज भी पचा देना, और आप देखिएगा कि लीवर आपकी बात सुनता है। ऐसी आप किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं। किडनी की आपको प्रॉब्लम है, किडनी पे अपने हाथों को रखिए और उससे प्रार्थना करिए कि भाई हमने कुछ गलती की है जिसकी वजह से तुझे भुगतना पड़ रहा है, आगे से नहीं करेंगे, तो वो आपकी बात सुनेगा। ऐसे किसी भी पार्ट के साथ कर सकते हैं, सर में, लंग्स में, कहीं पे भी, जहां भी आपको तकलीफ लगे, घुटनों में, हाथ में कहीं दर्द है, कंधे में कहीं दर्द है, वहां पे अपना हाथ रखिए और उससे प्रार्थना करिए, उसको बताइए कि भाई हाँ हमसे कुछ गलती हो गई होगी, इसकी वजह से हुआ है, तो पहले भी ठीक हो गया था, अब भी ठीक हो जाना। और ऐसा करने से आप देखिएगा कि वो ठीक हो जाता है। किसी भी अंग पे आप कर सकते हैं, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने देखा है अस्थमा पे, एलर्जीज पे, जोड़ों के दर्द में, इंडाइजेशन में बड़ा इफेक्ट आता है, एकदम आ जाता है। आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। कोई विशेष बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम आपको प्रश्नों के उत्तर देते रहें। आपके ही कहने पर हम वीडियो बनाते हैं जैसे हमें लिखा जाता है। वीडियो को लाइक करें, जैसे मैंने पहले आपसे प्रार्थना किया, शेयर करेंगे तो औरों के साथ भी ये सिंपल सिंपल टिप्स पहुंचती रहेंगी। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद।